अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एफईसी सेकंड ईयर में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमने फाइंड करना है डी वाई और डी एक्स। तो डी वाई और डी एक्स का हम सबसे पहले अपने पास एक क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हमारे पास होगा डी वाई डी एक्स इक्वल डी टी डी एक्स डॉट डी वाई और डी टी। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। अब इसी को ये पार्ट अलग इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमने कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टू। और फिर इसमें हमने क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करना है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा differentiate with respect to t। आपके पास आ जाएगा dx dt equal dn divide dt। ये आपके पास आ जाएगा a एक 1 minus t square, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 plus टी स्क्वायर। तो ये हमारा जो ऊपर वाला है ये अपर फंक्शन है हमारे पास, और नीचे जो है हमारे पास लोअर फंक्शन है। या ऊपर वाला इस हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, या नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कह सकते हैं, या अपर फंक्शन लोअर फंक्शन इस तरह भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास किस तरह आएगा, ये जो ए है ये हमारे पास इसमें कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट हमने इसे बाहर निकालना है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी का हमने डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले ये लोअर फंक्शन आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर डी और डी टी। आपके पास आएगा अपर फंक्शन 1 माइनस टी स्क्वायर। याद रखिए ये ए हमने बाहर निकाला है, ये हमारे पास इसमें कांस्टेंट है। उसके बाद आपने माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो यही अपर फंक्शन आपने लिखना है 1 माइनस टी का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, लोअर फंक्शन आपने लिखना है, ये है हमारे पास 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या आएगा, यही लोअर फंक्शन 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन इसका हमने होल स्क्वायर भी लेना है, याद रखिए। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये इसी तरह ही आ रहा है डी एक्स, और ये आपके पास डी टी, यहाँ पे भी डी एक्स और ये डी टी आ जाएगा। ये एक कांस्टेंट है, ये इसी तरह ही आएगा, ये भी इसी तरह आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले सॉरी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट जो होता है इसका जीरो होता है, और इसका स्क्वायर क्या है 2 है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 2t आएगा, मनफी भी साथ आएगा 2t। यहाँ पे जीरो का जीरो इसका प्लस करें भी वही जवाब आएगा, या माइनस करें या प्लस करें, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2t। फिर यहाँ पे आ जाएगी, ये हमें इसी तरह लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे ये 1 कांस्टेंट है, ये फिर जीरो हो जाएगा, और इसका हमारे पास पावर क्या है 2 है, तो इसका टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t होगा। और नीचे वाला हिस्सा आपके पास किस तरह जाएगा, ये इस तरह ही आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसका बाकी हिस्सा हम यहाँ पे करते हैं, किस तरह करेंगे, ये इसी तरह आ जाएगा डी एक्स, और ये आपके पास डी टी आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मल्टी 2t जो है ये आप इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये ए आ जाएगा, ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे,
माइनस दो टी हो जाएगा माइनस टू टी, फिर ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और दो टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मनफी दो टी क्यूब हो जाएगा, मनफी दो टी क्यूब हो जाएगा। अब ये भी इसी तरह करना है, बाहर क्या है इस ब्रैकेट से बाहर दो टी है और ये मनफी भी बाहर है, ये मनफी और ये दो टी इस वर्ग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा मनफी दो टी, मनफी दो और ये टी आ जाएगा। इसके बाद ये मनफी और ये दो टी इस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, दो टी क्यूब हो जाएगा, यानी प्लस दो टी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। नीचे आपके पास इसी तरह आएगा वन प्लस टी स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर और फिर हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा डी एक्स डी टी इक्वल, ये आप देखिए प्लस टू टी क्यूब और मनफी टू टी क्यूब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा ये ए और मनफी मनफी दो टी और मनफी दो टी आपके पास हो जाएगा मनफी फोर टी, यहाँ पे आपके पास वन प्लस टी स्क्वायर और ये आपके पास होल स्क्वायर आएगा। अब क्या होगा डी एक्स ये आपके पास डी टी इक्वल ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो मनफी फोर ए टी और नीचे वन प्लस टी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा, ये भी इस तरह होगा ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हम इस तरह लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा डी एक्स है तो हमारा डी टी ऊपर हो जाएगा और ये डी एक्स क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ये भी इसी तरह उलट हो जाएगा तो मर्फ इसी तरह आएगा और ये आपके पास हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा फोर ए टी फोर ए टी, ये आपके पास इसका हो गया इक्वेशन टू का नाम इसको दे दिया, ये इक्वेशन ए ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन वन हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन वन हो जाएगा, ये हमने इस पार्ट का डेरिवेटिव निकाला ये हमारे पास इसका आ गया। अब हमने क्या करना है हमने दूसरा भी फाइंड करना है, इसकी वैल्यू तो इसमें पुट करेंगे, अब इसके लिए भी हमने वैल्यू निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ पे मैं ये लिख लूंगा अपने लिए y इक्वल टू बी टी या जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, अब इसका भी इसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी लिखूंगा, फिर क्वेश्चन रूल इसमें भी क्वेश्चन रूल इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई और डी टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी जिस तरह मैंने पहले वाले के साथ लिखता वो भी आप इसके साथ लिख लेंगे और क्वेश्चन रूल की मदद से हमने करना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी और ये डी टी, यहाँ पे आपके पास टू बी टी नीचे आ जाएगा वन प्लस टी क्या जाएगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब हाँ ये इसी तरह आएगा डी वाई डी टी ये आपके पास क्या हो जाएगा वन प्लस वन यहाँ पे हम ये टू बी कांस्टेंट यहाँ फिर बाहर निकालेंगे टू बी ये मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वन प्लस टी स्क्वायर फिर हमारे पास आ जाएगा डी और डी टी फिर हमारे पास सिर्फ ये टी रह जाएगा क्योंकि टू बी हमने बाहर किया है टी फिर आपके पास क्या आएगा मन क्या आएगा यही टी आ जाएगा फिर डी और ये डी टी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा ये नीचे वन प्लस टी स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा ये वन प्लस टी स्क्वायर और ये आपके पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका भी हम इसी तरह निकालना है डी वाई ये आपके पास डी टी हो जाएगा ये टू भी इसी तरह कांस्टेंट है ये हमने कॉमन लिया ये इसी तरह आपके पास आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर है ये हमारे पास क्या है यहाँ पे ये स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है सिर्फ टी पे स्क्वायर फिर इस टी का कांस्टेंट क्या होता है वन होता है
इस वन इसका डेरिवेटिव क्या होता है, टी का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, ये फिर आपके पास वन पी टी आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, दो टी आ जाएगा, क्योंकि वन का तो जीरो होता है, और नीचे वाला आपके पास इसी तरह ही आएगा जो ये लिखा है, सेम टू सेम इसी तरह ही आएगा। अगर आपको नजर आ रहा है, अगर नजर नहीं आ रहा है तो जो जो कुछ ये लिखा है यही मैंने नीचे लिखा है। अब आपके पास ये हो जाएगा डी वाई डी टी इक्वल, ये टू भी कांस्टेंट है, ये इसी तरह ही आ जाएगा। फिर ये वन इसके साथ जरब करें, क्या आ जाएगा, सेम टू सेम वही वन प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी वन प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या करेंगे, ये मनफी ये टी आपस में जरब करें, मनफी दो टी स्क्वायर हो जाएगा, मनफी दो टी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला इसी तरह वन प्लस टी स्क्वायर, और फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब डी वाई और डी टी इक्वल टू भी इसी तरह आ जाएगा, और ये मनफी दो टी से जब ये टी जाएगा वन तो इस तरह आएगा ये वन, फिर इससे आपके पास मनफी टी स्क्वायर आ जाएगा, जब टू मनफी टू टू टी स्क्वायर से ए टी निकल जाएगा, ये आपके पास वन प्लस क्या आ जाएगा, टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया इक्वेशन टू, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन टू। अब ये दोनों इक्वेशन आपने पुट करना है इस इक्वेशन ए में, हम देखें कि पुट इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन ए में, इस ए में हम क्या करेंगे, ये पुट कर लेंगे। तो ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा, इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, डी एक्स इक्वल डी टी और डी एक्स के जो पहला हमने फाइंड पार्ट फाइंड किया था, ये आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, और ये आपके पास होल स्क्वायर, नीचे आपके पास फोर ए टी आ जाएगा, फिर डॉट आ जाएगा, इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी टू बी वन माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर, और फिर ये होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर वाला कट जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा, यहाँ पे ये टू और ये टू भी कट जाएगा, यानी डी वाई डी एक्स इक्वल ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास, ये कि ये बी रह जाएगा और एक वन माइनस टी स्क्वायर रह जाएगा, नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, ये टू ए टी आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो यही आपके पास इसका आंसर होगा, सॉरी ये माइनस बी साथ आता है, ये माइनस बी यहाँ पे जो है ना इसके साथ आता है माइनस। अब इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि डी वाई डी एक्स, अगर आप ये लिखे मनफी बी और यहाँ से क्या करें, यहाँ से ये टी की और वन की जगह चेंज करें, यानी मनफी टी स्क्वायर और प्लस वन आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, टू ए टी आ जाएगा। अब यहाँ से ये मनफी और मनफी क्या हो जाएगा, मनफी जब मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, यानी आपके पास किस तरह जाएगा, मनफी मनफी भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी आपके पास टी स्क्वायर मनफी वन, और नीचे आपके पास यही टू ए टी आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये मनफी मैं पहले भूल चुका था, ये मनफी इसके साथ आपने यहाँ लिखना है, यहाँ से यहाँ माइनस हम कॉमन कर लेंगे, इसी तरह ये जगह चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये मनफी जब मैं कॉमन करूँगा तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा, और जो मनफी मैंने कॉमन के लिए इस मनफी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच।